नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि देश भर में कोरोना का संक्रमण तेज रफ्तार से फैल रहा है। 2 लाख का आंकड़ा भी पार कर गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी कम नहीं है। बुधवार को एक दिन में सबसे ज़्यादा 6413 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। संक्रमण से 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। मरने वाले 3 मरीज पटना एम्स में भर्ती थे। अब प्रदेश में कुल एक्टिव केस लगभग 28,669 हो गए हैं। जाहिर है बिहार में अब कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रोन की लहर कहर बरपाने लगी है। सबसे चिंताजनक हालात पटना जिले की है, जहां पिछले 24 घंटे में 2014 मरीजों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई जिले संक्रमण की चपेट में हैं। समस्तीपुर में 506, पूर्णिया में 157, सारण में 207, वैशाली में 134, मुजफ्फरपुर में 294, जमुई में 220, दरभंगा में 142, बेगूसराय में 194, भागलपुर में 121, गया में 185, मुंगेर में 143, नालंदा में 177, पूर्णिया में 157, पश्चिमी चंपारण में 110, मधेपुरा में 127, मधुबनी में 117, सहरसा में 108 और कटिहार में 112 मरीज मिले हैं। तो ये चिंताजनक आंकड़े हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 3 मरीजों की जो मौत हुई है, उससे भी चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये तीनों मरीज जो मरे हैं पटना एम्स में भर्ती थे, और इनमें से 2 लोग पटना के रहने वाले थे, जबकि एक सहरसा के रहने वाला बच्चा था 12 साल, जिसकी उम्र थी। तो संक्रमण से उसकी जान चली गई है। सबसे चिंता की बात यह है कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी अब तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पहले तो अस्पताल तैयार था, मरीज नज़र नहीं आ रहे थे, अब मरीज तेज रफ्तार से आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 21 मरीज पटना एम्स में भर्ती हुए हैं। यहाँ अभी भी 57 मरीज कोरोना वार्ड में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। यह जो मामला है काफ़ी गंभीर है, और डॉक्टरों का कहना है कि जो भी 57 मरीज पटना एम्स में भर्ती हैं, उनकी हालत खराब है, गंभीर रूप से बीमार हैं, और आईसीयू में इनका इलाज चल रहा है। तो आईसीयू में जाने की भी नौबत आ रही है। तो ओमिक्रोन खतरनाक नहीं है, ये मान लेना ठीक नहीं है। सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, और जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और टीका लिए हैं तो भी 2 गज की दूरी के नियम का पालन करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, और घर से कम बाहर निकलिए। तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका सुबह भी सुरक्षित रहेगा, और हमारा देश भी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि कोरोना को हल्के में नहीं लेना है और ज़रूरी एहतियात बरतना है।